हेलो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो हम दोबारा से खेलने वाले हैं लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। तो ये है अपना ग्लोबल ट्रेन का डे नंबर 7। और भाई अभी भी ऑनलाइन आया तो देखा भाई कार्गो आया हुआ है। मैंने कहा भाई जल्दी से चेक करते कार्गो लूटेड है या अभी भी ड्रॉप है। पर भाई यहाँ पर आके रिपोर्ट चेक किया तो एक बंदा तो शो कर रहा था। मैंने कहा देखते भाई बंदा है तो भाई ड्रॉप भी अभी भी होगा। फिर भाई हम पास में आ गए और उस बंदे ने भाई हमको एयर का झटका मारा। हमने कहा चलो भाई ड्रॉप तो है तभी वो कवर कर रहा है। चलो हम आ गए अभी कार्गो के अंदर। पता नहीं बंदा कहाँ है। हमको लगा पहले भाई यही होगा और यहाँ पर देखा भाई अभी 3 मिनट के करीब था ही टाइमर स्टार्ट है। मैंने कहा चलो ठीक है तब तक यहाँ पर घूमते है। और भाई बंदा आ गया। मैंने कहा भाई यहाँ पर बंदा है कहीं तो है भाई। उसका साउंड थोड़ा सा आ रहा है। और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद बंदा आ ही गया। और कुछ यहाँ से पता था कि हम इसी कंटेनर में है। बंदा यहीं यहाँ पर आकर वह खड़ा हो गया। ट्राई किया वह शॉर्ट गन का साटा देने का पर भाई ये आर के सावरे क्या ही शॉर्ट गन भी। फिर हम अपने भेजा कि हम भी बोले भाई अब हम मारेंगे देख तू आता भाई। वो बंदा अभी हम कार्गो में नहीं जाएंगे क्योंकि अब हम बजूका लेकर आएंगे। कार्गो में क्यों जाएंगे। अब वो बंदा हमको खुद सामान देगा क्योंकि हम यहाँ पर उसका इंतज़ार करेंगे। सर अब तब तक जब तक वो बंदा आ रहा है तब तक भाई जिस बंदे ने भाई लाइक नहीं किया लाइक कर दो और भाई सब्सक्राइब भी कर देना। चलो भाई ओके वो बंदा आ चुका है। पानी से आराम से तैर तैर के आ रहा है। मैंने कहा भाई आ जा बेटा आ जा। सर तुझे हम बजूका कैसे ही लगते ही हम दिखाते हैं। और बंदा देख लो आ रहा है थोड़ा सा दिख रहा है। और ये अच्छी बात है भाई बंदा दिख जाता है वरना वे पानी में दिखता भी नहीं। चलो हमने पहले थोड़ा पास जाने का सोचा क्योंकि भाई पास जाके मारेंगे तो ये अच्छा होगा। पर भाई ये बजूका का शेर कहाँ जा रहा है भाई। ज़मीन में घुस गए बताओ भाई। और लो भाई आ गया जंप किया और प्यारा सा जंप फेल हो गया बंदे का। देखते भाई उसको क्या मिलता उससे। ओके एक और शॉट गन का फटका भाई। एक एम लुईस और भाई 10 पॉइंट और भाई स्टील का आधा पूरा आर्मर गन लो भाई। इसका तो भाई काफ़ी होता है आर्मर भाई। चलो अच्छा खासा सामान मिल गया। 2 AR मिल गए और 10 पॉइंट मिल गए और स्टील का आर्मर मिल गया। अब मैंने कहा भाई निकलते अपने बेस और भाई आराम से सारा सामान रखेंगे। शायद से वो बंदा आसपास नहीं है तो उसको देर लगेगी पता नहीं भाई पास में भी हो। इसलिए हम भाई जल्दी से अपने बेस ही आ गए। और ये अपना बेस भाई देख लो थोड़ा सा हम लाएंगे इसका भी टूर लाएंगे बहुत जल्दी। अभी भाई इस पर काम स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट नहीं भाई हो भी गया है पर थोड़ा अपग्रेड करेंगे तो बाद में थोड़ा अच्छा लगेगा। और भाई इतना सामान है पहले रखते हैं। देख लो एक कैम में मुझे लगा भाई 4x मिल जाता मज़ा आ जाता है क्योंकि कार्गो में से 4x मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। बाकी तो भाई कहीं से मिलता ही नहीं है। और हम भाई वापस से यहाँ पर एयरपोर्ट की साइड आए क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप आया था और हमने भाई रिपोर्ट में चेक किया। ओके तो हम आ गए भाई एयरपोर्ट और यहाँ पर ड्रॉप आया था तो हमने भाई चेक किया भाई। चलो ड्रॉप तो अभी भी है और भाई यहाँ पर ऑलरेडी भाई टैंक ही घूम रहा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। पर यहाँ पर टैंक के नशे देख लो सामने और से वहाँ पर बंदा भी होगा। वहाँ नहीं मार रहा हमको मार रहा। फिर भाई हमने अपनी फार्मस आग वाले निकाली और भाई उस हॉर्स पे मारा। पर देख लो मुझे लगा भाई अपनी फार्मस में वो बात नहीं रही जो पहले सबको मारा करती है। पहले का भाई अब बहुत कम यूज़ करते हैं भाई गेम वाले के बग भी ना अलग ही नशे करते हैं। देख लो भाई यहाँ पर बंदा नहीं है पर उसका हॉर्स खड़ा है बताओ। और उसको डैमेज भी नहीं बढ़ रहा है। मैंने कहा छोड़ो हम भाई यहाँ पर कंटेनर में रुक दे और देख दे। ओके डेविल वाला बंदा आ गया। मैंने कहा क्या बात है ये बंदा वापस से आ गया। मैंने कहा और भाई चलो देखते कहाँ है। और भाई देखा तो वो हमारी तरफ ही आ रहा है। ओके और भाई जंप किया और भाई 29 का एक हेड और हम ख़त्म क्योंकि भाई कहाँ स्टील का आर्मर और यार और कहाँ पर बोन का आर्मर और फार्मस। फिर भाई हमने सोचा भाई चलो अब तो वहाँ जाएंगे तब तक तो भाई बंदा लूट के भी चला गया होगा। हम चलो भाई अवेंजर का टाइम हो गया तो मैंने कहा मिलिट्री चलते अपना अवेंजर को मारेंगे और उससे अपना पॉइंट और यार लेंगे। चलो हमने सामान ले लिया सारा निकलते अपने मिलिट्री बेस की तरफ।
मिलिट्री बेस को आगे पर गए देखना पड़ेगा, अपना अवेंजर घूम रहा है या भाई कहीं जाके सूख गया है। वो सूख जाता ना तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तब तो भाई मिलता ही नहीं। अब कितना भाई उसको बुलाओ आएगा ही नहीं ना, फिर वह अपना मास भी खत्म हो जाएगा और हम भी मरने के कगार पे आ जाएंगे बिना उसके मारे। चलो अभी देखते हैं, वहाँ जाकर पहले अपने उसको भाई खाना खिला देते हैं उसको। भाई गेम वाले ने भाई ये बेरी वेरी खिलाने का रखा, भाई इसके सने चाहिए, भाई सने खिलाओ और भाई देखो बाद में क्या ही दौड़ेगा। ओके अभी देखते हैं, यहाँ पर भाई गार्ड नहीं है मुझे लगा, भाई बंदा अभी भी मार के गया हुआ है पर थोड़ा आ गया है तो पता चला भाई अवेंजर भाई तो अभी यहीं घूम रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है, चलो हम टाइम टू टाइम आए वरना भाई कोई बंदा मार के चला जाता है। और भाई देखते हैं किस पे ग्लिस हुआ है। ओके पहले यहाँ पर रखते हैं और अपना घोड़ा भाई, अरे भाई यहीं पर रुक जाए, स्विच करना पड़ेगा। ओके और ओके अपने वॉन्स पे ग्लिस है, जल्दी से मारेंगे, अभी मारने में टाइम ही नहीं लगेगा। चलो फिर इसको जल्दी से मार के देखते हैं उसमें क्या सामान मिलता है। चलो भाई तू आराम से अंदर के वहाँ पर गोलियाँ लगाते रहे, हम यहाँ से तुझे मारेंगे। ओके फाइनली भाई थोड़े से हेल्थ है, ये रिलोड में ख़त्म। चलो अवेंजर तो मरने वाला है, देखते हैं क्या मिल रहा है। ओके यूजी मिली MG4 और हैंडमेड और भाई C4 बाजूका सेल, भाई C4 तीन C4 मिले बढ़िया है और 10-5 पॉइंट है भाई। चलो कोई बात नहीं, राइफल बैरल भी मिली है, C4 तीन मिले, दो हेलमेट, ठीक है भाई अच्छा खासा सामान मिल गया। फिर भाई रूम चेक किया, रूम तो नहीं था, कोई बंदा लूट के ही गया था रूम ही, इसीलिए भाई गार्ड नहीं था। और फिर हमने कहा ये मॉन्स्टर को ही मार के हम अपना गुजारा कर लेंगे, वैसे अपने को गुजारा करने की ज़रूरत नहीं, अपने को अच्छा खासा सामान मिल गया। फिर भाई वहाँ से आ गए यहाँ पर अपना रिसोर्स लेब पे, अपना स्लीपिंग बैग है तो मैंने भाई पहले आकर देखा और भाई पूरा रूम भरा हुआ है। मेरे का क्या बात है, अपने को सिर्फ पर्पल कार्ड और ये 10-15 वायर लेकर आनी है तो जल्दी से अपना रूम भी हो जाएगा। मैंने कहा भाई बिल्कुल भी देरी नहीं करनी, पता चला यहाँ पर हम थोड़ा भी और लेट हुए और कोई बंदा लूट के चला गया, इसलिए भाई पूरी जल्दी में आया और देखते भाई क्या मिलता है। ओके भाई स्नाइपर ज़्यादा मिल रही है यार, भाई बहुत कम मिल रही है अभी रूम से ही, अवेंजर को मार के मिल रही है अच्छी खासी और भाई ड्रॉप में से भी मिल जाती है, पर भाई ये अभी पर्पल रूम में बहुत कम कर दी यार ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, ऑटो कैनन भी कम मिल रही है, ऐसा थोड़ा कबाड़ा मिल रहा है तो ले लेते हैं इसको भी, क्या करेंगे अब। ओके चलो यहाँ से निकलते अब, तो यहाँ पर रूम करने का ना यही फायदा है भाई, जल्दी से यहाँ पर आपको मास्क लेवल 2 के मास्क की भी ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत डैमेज होगा पर आप निकल जाओगे, बाद में यहाँ से सेल्फ करके आप अपने बेस पे रूम सारे ट्रांसफ़र कर देना। फिर हम भाई वापस से आगे मिलिट्री बेस, क्योंकि भाई अपने पास जो हेली था वो फूट गया और हमको नया हेली चाहिए था, इसलिए हम हेली लेने आए हैं। और भाई यहाँ पर रूम आ गया था तो हमने कहा रूम भी कर लेते, अपने को ब्लू रूम पर्पल कार्ड मिला था, मैंने कहा पहले उसे बाहर रखते हैं भाई, पूरा 2 बार इसको यूज़ कर सकेंगे और इसको यूज बाहर, इसलिए उसको भाई बाहर ही यूज़ कर दिया। तो अच्छा खासा सामान मिल गया इस बार भाई रूम से, M4 मिल गई यार मुझे, मैंने कहा चलो बढ़िया है। हमको भाई डिस्मेंट का सामान करना था बस, फिर भी भाई पता नहीं कौन बंदा है भाई हमको डैमेज दिया, हमने भाई रिपोर्ट भी चेक नहीं किया। हम भाई यहाँ से फटाक से निकले और भाई पहले सोचा भाई यहाँ पर हम हेल्प करते हैं, फिर कहा नहीं भाई यहाँ से निकलते ही है क्योंकि अपना हेली भी स्पॉन हो चुका होगा तो लेकर निकलते हैं। और भाई देखते चलो भाई हेली खड़ा है, हम बिना किसी टाइम गवाए जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे और बंदा ढूंढता रह जाएंगे, पता तो चल जाएगा कि हम यहाँ से निकल चुके हैं। पर अभी देखो भाई अपनी SP कम है और भाई उस बंदे ने देख लिया तो अपना सारा सामान गिर जाएगा, पर अभी फायदा लेना पर अभी कोई फायदा नहीं, इसलिए वो निकलना ही बहुत जल्दी से निकल ही गए। ओके फिर भाई अपना टीममेट आ गया, अपना टीममेट बोल रहा भाई रेड कर दे, मैंने कहा चलो भाई अपने पास मत से खास है तो रेड करते। हमने भाई एक्जिलिया की तरफ एक बेस देखा था तो हम आ गए यहाँ पर और अपना टीममेट पहले ही पहुँच चुका है। चलो भाई देखते हैं इसे क्या लूट मिलते हैं, अभी तो भाई अपना उसको यहीं पर खड़ा रखेंगे और भाई नीचे से आके देखते हैं
वैसे ओपन सेक्शन है इसलिए थोड़ा आसानी होगा लूट करने में। देख लो भाई आगे की तरफ है और यहाँ से तो नहीं देख सकते, सारे एंडर लगाने पड़ेंगे जगह से लेकर आए, दिक्कत नहीं होगी। अरे भाई चलो फायदा हो गया, डोर पे टूट गया, उसका वॉल भी टूट गई और भाई फर्नेस में तो भाई लूट की बारिश है इसमें पूरा खाली, और इस वाले में भी ठीक ठाक चलो अच्छा खासा सामान मिल गया। और यहाँ पर भाई दो लॉक वाली है, पहले मैंने कहा ऊपर जाके देखते, और भाई यहाँ पर लेडर लगा रखी थी पर बंदे ने लॉक नहीं लगाया, मैंने कहा चलो अब तो और भी अच्छा है कि यार हमको हैंडमेड हमको यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। और ऊपर चढ़ के देखते तो भाई देखा और भाई यहाँ पर भी लॉक नहीं लगा रखा बंदे ने, मैंने कहा क्या बात है, अपने बंदे ने कुछ सामान ले लिया और यहाँ से एक हैंडमेड मिल गया। चलो भाई अच्छा खासा सामान मिल गया, कंपोनेंट और यहाँ पर बैंडेज। चलो अपना टीममेट यहाँ से गन तो अपने टीममेट ने ले ली और यह समझिए मैंने कहा भाई ले ले शॉट गन ले ले अपने को फार्म करने में काम आ जाएंगी, तो अपना टीममेट वो भी ले लेगा। ओके अपना टीममेट बोल रहा है ये भी ले लेता, मैंने कहा ठीक है ले 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 सब, एक सामान कभी भी नहीं छोड़ने का और वो तो काम आ सकते है, शॉट गन काम आएंगे क्योंकि उसमें हम फार्म करेंगे। ओके भाई चलो अपने टीममेट को बैंडेज को भी बोल दिया ले ले भाई काम आ जाएंगे ये भी, उसके होस्ट की भाई हेल्थ भी कम है तो वो लगा लेंगे। और भाई यहाँ आकर देखा हम भाई यहाँ से तो नहीं से गए क्या हमने गलती कर दी क्या भाई, सारा हैंडमेड लगा के, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई यही तो मज़ा है देखो आप। चलो अब यहाँ पर भाई डो भी ऑयल बम लगाते हैं और अपना उसका कैबिनेट तोड़ते और देखते भाई ये दो ही वो लार्स ने जो कि उसमें कुछ सामान अच्छा हो सकता, मैंने कहा भाई हेलमेट लगा हो क्या, फिर सोचा भाई ऑयल ड्रम लगा दे हेलमेट रहने देते। ओके चलो टूट गया और भाई सारा माल तो इसमें ही भरा है बंदे ने अच्छा खासा, चलो भाई ले लेते और इसमें इसमें थोड़े बहुत कंपोनेंट, और भाई इसमें तो इतना कुछ खास सामान नहीं है, अपना टीममेट ले लेगा वो सारा सामान। चलो भाई यहाँ से हम निकलते हैं दूसरे बेस पे, अपने बेस के पास ही है क्योंकि वो एयरपोर्ट पे ये रूम का बेस है, बंदा रूम करने के लिए आता होगा, मैंने कहा इसमें भाई गन मिल सकती है अच्छी खासी और कुछ कंपोनेंट भी मिल सकते हैं, अपना टीममेट का लगा दो भाई कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा भाई चलो भाई लगाते हैं। अपना टीममेट गंदी मारने में लगा है, चलो कैबिनेट में लॉक नहीं है और इसमें भी चलो भाई ठीक ठाक सामान है वैसे, और अपना टीममेट बोल रहा है भाई यहाँ पर लॉक लगा हुआ है क्या करे, मैंने कहा देखते क्या करना तुम बताओ। अपना टीममेट बोल रहा है लगा ही दो भाई क्या करेंगे ओल्ड ड्रम खा थोड़े ना सकते, मैंने कहा ये भी सही है। चलो फिर यहाँ पर दो ओल्ड ड्रम और लगाते हैं, चलो फिर इसके कैबिनेट को तोड़ के भाई देखते हैं उसके डब्बों में क्या सामान है, अच्छा खासा मिल जाए तो मज़ा आ जाए क्योंकि भाई ये पर्पल रूम के लिए ही बनाए हैं, तो लगता है भाई थोड़ा कुछ तो अच्छा सामान मिल सकता है, मैंने कहा चलो देख लेंगे जो मिलेगा ले लेंगे वरना कुछ नहीं भाई, पास ओल्ड ड्रम तो जाएंगे ना। चलो भाई टूट गया और इसमें से सेमी ऑटो राइफल मिली और शॉट गन है और तो भाई कुछ नहीं है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जो है ले लो और निकलते हैं यहाँ से, एक और बेस रेड करते फिर भाई यहाँ से अपने बेस पे जितना भी सामान था वो रख के भाई हम आ गए यहाँ पर, हमारे पास भाई मशीन या किसी नैप नहीं थे तो भाई हमने ऐसे ही तोड़ दिया भाई। चलो हमने कहा वुडन का तो एक क्या ही देर लगेगी, वैसे भी हम दो बंदे हैं अपना टीममेट भी है तो जल्दी टूट जाएंगे, पर भाई बाद में पता चला है भाई डबल डोर वाला बेस है, मैंने कहा थोड़ा टाइम तो लगेगा। फिर भाई हम अपने बेस गए और भाई थोड़े और ऑयल ड्रम बना के लाए क्योंकि अपने पास ऑयल ड्रम कम थे, कम क्या भाई ख़त्म ही हो गए, पांच हैंडमेड थे जो कि अपने टीममेट को मैंने दिए हैं, और क्योंकि भाई स्टोन का डोर आ गया मैंने कहा ऑयल ड्रम है नहीं तो अपने बेस जाके पहले बना के आते, तो अपना टीममेट को भाई हैंडमेड दिए थे और हम 16 हैंडमेड बना के आ गए, और भाई देखते हैं इससे क्या सामान मिलता है, वैसे डबल डोर का है तो कुछ ज़्यादा ही ऑयल ड्रम लगेंगे इसलिए हम भाई 16 ही बना के लेकर आ गए। चलो फिर
देखते भाई इसके आगे आयरन का आता है या नहीं। वैसे स्टोन का होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भाई डबल डोर है, ऊपर से भाई डबल सीलिंग लगा रखे है, तो वैसे पता नहीं चल रहा। और भाई बंदा यहाँ पर मिल गया भाई, सलाद से सामान लेते हैं भाई, वुडन क्लब लेके सोया हुआ है, क्या ही बंदा है। फिर भाई हम वापस से अपने बेस गए ओवर, किस नाइफ और भाई मसेट लेकर आए ओवर, पता चला भाई 1 ही मिनट है आपको, जितना भी रेड करना है कर लो, 1 मिनट में रेड ख़त्म होने वाला है। और भाई हम और अपने टीममेट ने भाई क्या ही फिर जोर लगाया भाई, क्योंकि भाई ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो डबल डोर होते हैं ना, एक डोर तोड़ा और पीछे वाला डोर बाद में खुल ही नहीं रहा था। मैंने कहा ये हो गया तो भाई हम मर के ही जाएंगे। फिर भाई वो डोर भी तोड़ा, मैंने कहा भाई देखते हैं, और अपना टीममेट बोल रहा भाई नहीं जा रहे, तो मैंने कहा पहले वो डोर तोड़ बाद में देखेंगे, तो पहले भाई ये डोर जल्दी से तोड़ते हैं, नाइफ से तोड़ेंगे 25 का डैमेज, और जल्दी से ये टूट भी जाएगा भाई, वरना भाई हम बाहर जा ही नहीं सकते थे। चलो फिर 1 मिनट था, और भाई यहाँ से तो भाई चलो डोर डबल डोर है और भी लॉक भी नहीं है, और इसमें भाई कभी कभार देखो ओपन करने का ऑप्शन ही नहीं आता, इसलिए जब भी रेड करते हैं ना डबल डोर में तब भी ऐसा प्रॉब्लम बहुत होता है। चलो ये भी तोड़ते, जितना तोड़ सके इतना अब तोड़ लेंगे। हम 2 बार अपने बेस जाके आए हैं, पहले बम लेके और बाद में नाइफ लेके, और भाई फाइनली हमको उसका स्टोरेज मिल गया, जो कि भाई कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत सामान था पर चलो मिल तो गया, इसलिए कुछ भी लेंगे। अब यहाँ पर ट्राई किया और भाई रेड टाइम भी ख़त्म, मैंने कहा लो हो गया काम, फाइनली कुछ तो मिलेगा, अब देखते हैं क्या क्या है। अपना टीममेट बोला यहाँ पर C4 है, मैंने कहा चलो कुछ तो मिला भाई, जो काम आ सकता है। वैसे यहाँ पर कंपोनेंट भी है और अपने टीममेट को गन भी मिले, मैंने कहा चलो ठीक है, जितनी हमने मेहनत की उतना सामान तो मिल गया। और भाई ऑयल ड्रम तो हमने 3 ही लगाए वैसे, और वो ऑयल ड्रम भी नहीं लगाए, तो इतने बम भी हमारे नहीं गए, और उसका कैबिनेट भी हम ढूंढ सकते थे, जो रेड टाइम ख़त्म नहीं होता ना। तो चलो कोई बात नहीं, जितना सामान है उससे लेके निकलते। और यहाँ पर एक और बंदा लेटा है जो कि ग्लिच हुआ पड़ा है, उसका बैग भाई सेक नहीं कर रहे, कर नहीं पा रहे, और अपना टीममेट बोला एक ऑयल ड्रम लगा लो, उसके पास आयरन का आर्मर है। मैंने कहा चलो ठीक है लगाते हैं, हम भाई अपने पास वैसे भी ऑयल ड्रम ज़्यादा है तो लगाते हैं एक ऑयल ड्रम, चलो देखते हैं उसके पास है क्या क्या मिलता है। चलो फिर अपना टीममेट वो सामान ले लेंगे। तो फिर आज की वाली वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भाई जितने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।